Hello children, how are you all? Now, today we'll continue with our first chapter, SS. We'll start with Battle of Plassey. Sirajuddin became Nawab of Bengal in the year 1756. He had an overwhelming influence over the British. 1756 में Sirajuddin बंगाल के नवाब बन गए और उनको ब्रिटिश पे बहुत ही इन्फ्लुएंस था ब्रिटिश के ऊपर. द ब्रिटिश हेल्प द कॉम्पिटिटर्स ऑफ Sirajuddin बाय कॉन्स्पिराइजिंग अगेंस्ट हिम सो दैट ही वुड नॉट रिमेन ऑन द थ्रोन ऑफ बंगाल. ब्रिटिश जो Sirajuddin के कॉम्पिटिटर्स थे, कॉम्पिटिटर्स मतलब आपको पता है, उनके अगेंस्ट सब प्लान कर रहे थे, उनको गद्दी से निकालने का प्लान कर रहे थे उनके अगेंस्ट. देर वर फ्रीक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट्स विद द ब्रिटिश मर्चेंट्स रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ टैक्सेस, और पेमेंट के लिए भी बहुत ही झगड़े होते थे. व्हेन द ब्रिटिश मर्चेंट्स फेल्ड टू पे टैक्सेस विच वर एप्लीकेबल टू बोथ इंडियन एंड फॉरेन मर्चेंट्स द सिचुएशन केम टू अ बॉइल. जब भी ब्रिटिश मर्चेंट्स फेल हो गए थे टैक्सेस भरने के लिए, जो इंडियन और फॉरेन मर्चेंट्स दोनों को एप्लीकेबल थे, तो सिचुएशन एकदम बॉयल, मतलब एकदम आग बबूला हो गया था. सिचुएशन बैटल के फॉर्म में ले रहा था. ही ऑर्डर दैट द ब्रिटिश शुड नॉट फोर्टिफाई द फैक्ट्री, पे द टैक्सेस एज पर द रूल्स एंड ट्रेड एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन. तो फिर Sirajuddin ने ऑर्डर किया कि उसको फैक्ट्री में से निकाल देना चाहिए जब तक वो टैक्सेस ना पे करे, और उनके टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से ना चले तो उनको ट्रेड करने की परमिशन नहीं मिलेगी. दिस प्रोवोकेशन वॉज इनफ फॉर Siraj टू ऑप्ट फॉर वॉर. बस ये सब कुछ हुआ, बस इसकी वजह से वॉर का स्टार्ट हुआ. एंड ही सक्सीडेड इन एक्सपेलिंग द ब्रिटिश फ्रॉम कैलकटा, और वो ब्रिटिश को कैलकटा में से निकालने से सक्सीड हो गए. द ब्रिटिश काउंटर अटैक्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव. ब्रिटिशर्स रॉबर्ट क्लाइव के अंडर अटैक कर रहे थे. क्लाइव ब्राइब्ड मी जफर द कमांडर इन चीफ ऑफ Sirajuddin विद अ प्रॉमिस टू कन्फर द थ्रोन ऑफ बंगाल टू हिम एंड कन्विंस्ड हिम टू जॉइन देयर साइड. रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, उनके जो कमांडर इन चीफ थे आर्मी के, Sirajuddin के आर्मी के, मीर जफर, उनको रिश्वत देने की कोशिश की. रिश्वत मतलब उनको ऐसे प्रॉमिस किया कि अगर Sirajuddin नहीं गद्दी पे रहे तो वो ब्रिटिश उनको गद्दी पे बिठाएंगे, ताकि फिर वो हार जाए. तो ऐसी कॉन्स्पिरेसी की उनके अगेंस्ट. विथ हिज हेल्प रॉबर्ट क्लाइव डिफीटेड एंड मर्डर्ड Sirajuddin इन द बैटल ऑफ प्लासे. मीर जफर की हेल्प से ब्रिटिशर्स ने जो Sirajuddin है उनको डिफीट कर दिया और मार दिया बैटल ऑफ प्लासे में. This was the first war fought by the company in India, which marked the beginning of the British rule in India. ये सबसे पहला war था British company का, East India company का, और इससे ही Britishers हमारी country में धीरे धीरे अपने stable हो गए धीरे धीरे. Thus this war is considered to be a turning point in the history of India. ये एक turning point था. Now come to page number 5. Battle of Boxer. As promised, the East India Company appointed Mir Zafar as Nawab of Bengal. जैसे प्रॉमिस किया था वैसे मीर जफर को नवाब ऑफ बंगाल बना गया था. रॉबर्ट क्लाइव ऑल्सो वेंट बैक टू इंग्लैंड. रॉबर्ट क्लाइव भी इंग्लैंड में वापस चले गए. विद द पैसेज ऑफ टाइम मीर जफर बिकेम हॉस्टाइल टूवर्ड्स द ब्रिटिश. जैसे जैसे टाइम चला गया मीर जफर ब्रिटिश की तरफ एकदम नरम हो गए. द कंपनी डिसाइडेड टू रिप्लेस हिम विथ हिज सन इन लॉ मीर कसिम. और कंपनी ने ऐसा डिसीशन लिया कि उनकी जगह पे उनके सन इन लॉ को रिप्लेस करना है मीर कसिम. मीर कसिम वॉज एन एफिशियंट, डिसिप्लिन एंड अ क्लेवर रूलर. मीर कसिम एकदम एफिशियंट थे, डिसिप्लिन थे और बहुत ही अच्छे रूलर थे, अपने काम में परफेक्ट थे. द प्रॉब्लम अरोज बिटवीन नवाब एंड द कंपनी ऑन अकाउंट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स, विच अल्टीमेटली ब्रॉट बोथ द फोर्सेस फेस टू फेस विथ ईच अदर. अभी वापस प्रॉब्लम कहाँ पे आया, नवाब और कंपनी के बीच में वापस टैक्स के पेमेंट की वजह से वापस सब प्रॉब्लम आया.
और उसकी वजह से दोनों फोर्सेस आमने सामने हो गए। इन 1763 मीर कसिम वॉज डिफीटेड बाय द कंपनी बट ही एस्केप। 1763 में मीर कसिम डिफीट हो गए थे कंपनी से, पर वो भागने में कामयाब हो गए। ही रीऑर्गेनाइज्ड हिज आर्मी अलोंग विद द फोर्सेस ऑफ नवाब ऑफ उद सुजाउद्दुल्ला। वापस उसने अपनी आर्मी खड़ी की सुजाउद्दुल्ला की हेल्प से एंड मुगल एम्परर शाह आलम सेकेंड की हेल्प से भी। देयर कंबाइंड फोर्सेज मेट द कंपनी फोर्सेज एट बॉक्सर इन 1764। दोनों के कंबाइंड हेल्प से फिर बॉक्सर पे वो मिले कंपनी के साथ। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वन द वॉर। वापस ब्रिटिश वॉर जीत गए एंड ऑल ऑफ अ सडन बंगाल अवध एंड मुगल एम्पायर वॉज अंडर देयर कंट्रोल। और उसकी वजह से बंगाल अवध और मुगल एम्पायर पूरा उनके कंट्रोल में आ गया। रॉबर्ट क्लाइव वॉज सेंट टू इंडिया टू टेक कंट्रोल ऑफ दिस सिचुएशन। रॉबर्ट क्लाइव वापस उनको इंडिया में भेजा गया था ये सिचुएशन को कंट्रोल करने में। दैट्स हाउ द ईस्ट इंडिया कंपनी अ ट्रेडिंग कंपनी इमर्ज्ड एज अ पॉलिटिकल पावर इन द सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया। इसी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ ट्रेड के पर्पज से आई थी, एक ट्रेडिंग कंपनी थी, और धीरे धीरे अपने पॉलिटिकल पावर इंडिया पे जमाने लगी। सो स्टूडेंट्स, हैव यू अंडरस्टूड द चैप्टर? इफ यू हैव एनी डिफिकल्टीज व्हेन द स्कूल विल रीओपन यू कैन ऑलवेज क्लैरिफाई। नाउ इन द नेक्स्ट सेशन आई विल कंटिन्यू विद द क्वेश्चन आंसर्स इन द वर्कबुक। टिल देन स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे। Thank you.